Now, in second video, we have studied about the rise of nationalism in Europe, in which we have making of nationalism in Europe, in which we have studied about aristocracy, monarchy, and the middle class, and what is the liberal nationalism stand for, what is the meaning of liberal nationalism. Now, in this video, we will study about a new conservation after 1815. Means what changes have been, what new system have been introduced in 1815. In 1815 means when after Napoleon, because in 1815 we have studied in class 9 that in war of Waterloo, in 1815 Napoleon was defeated. European government was driven by a spirit of conservatism. Conservatism means a political philosophy that stresses the importance of tradition, establishment, institution, and custom, and preferred gradual development of quick changes. जिसमें जो है हम देख सकते हैं कि आपका एक political philosophy जो है ये stress करता है, यानी उस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि वहाँ की जो tradition है, एक ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश करना, एक इंस्टीट्यूशन और एक कस्टम को इस्टेब्लिश करना, प्रिफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड क्विक चेंजेस, यानी जो आपकी जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी चेंजेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को लाना. तो यूरोप की गवर्नमेंट जो है इसमें ये चीज़ों, क्योंकि इससे पहले तक जो आपका मोनार्की सिस्टम था, तो वो लोग जो है जब नेशनल असेंबली या गवर्नमेंट के नाम से यूरोपियन गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश हुई, तो इन्होंने जो है कंजर्वेटिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, जिसमें जो है वो लोग सारे जितनी भी मोनार्की सिस्टम में जो भी रूल रेगुलेशन थे उन सारी चीज़ों को चेंजेस करना. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरीज डेट, यानी जितने भी कंजर्वेटिव्स जो मानने वाले थे वो लोग ये नहीं चाहते थे कि द रिटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की जो वापसी प्री रिवोल्यूशनरी, यानी रिवोल्यूशनरी क्रांति से पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति जो है ना बने. तो आपका दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, ए मॉडर्न आर्मी, अन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमिक, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्फडम कुड स्ट्रेंथ द एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जो आपके यूरोपियन पावर को रिप्रेजेंट करते थे 1815 में, जिसका आपका ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसको कलेक्टिवली जो है कलेक्टिवली डिफीट है, जो सारे लोगों ने जो है आपका नेपोलियन को हराया था, मेट एट वियना, जिसमें जो है वो लोग ये सारे जितने जो हैं ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया के लोग जो है वियना में उन्होंने जब मीटिंग बुलाई, वो लोग मिले, टू ड्रॉ अप सेटलमेंट ऑफ फॉर यूरोप, यानी कि जो यूरोप की जो सेटलमेंट है, यूरोप का जो डिवीजन है उसको किस तरह से किया जाए, इसके लिए जो है उन्होंने मीटिंग की, जिसमें बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो है ख़त्म हो चुकी थी बर्बन डायनेस्टी, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, उसको जो है फिर से पावर में लाया गया, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, जो अंडर नेपोलियन के अंडर में जो फ्रांस ने अपनी जो टेरिटरीज खो चुके थे उस चीज़ को वापस लाना. जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैज़ बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो 39 स्टेट थे जिसको नेपोलियन ने इस्टेब्लिश किया था, उसमें उसको जो है उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था. एरिस्टोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू क्रब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लिग्निमिटीज एंड एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट. एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है कोई भी ज़्यादा जो है वो लोग किसी चीज़ को जो टॉलरेट नहीं करते थे, कोई भी उनके अगेंस्ट में जाता था तो वो उसको जो है, या उनसे कोई सवाल करता था तो वो जो है उसको सजा देते थे. रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे, जो यूरोप में उस वक्त जो क्रांतिकारी थे, एज कंजर्वेटिव रिजिम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर
liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution. आपका फ्रांस में जो है आपके तीन में डिवाइड हो चुके थे रेवोल्यूशनरी ये एज ऑफ रेवोल्यूशन में जिसमें कंजर्वेटिव लिबरलिज्म और नेशनलिज्म मानने वाले थे. ये तीनों ही जो है अपनी अपनी चीज़ों को अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश में थे. इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन मेनी रीजन ऑफ यूरोप बहुत सारे अलग अलग रीजन में ये तीनों ही अपनी जो है कोशिशें कर रहे थे कि उनकी जो है पावर बढ़े. एज द इटालियन एंड द जर्मनी स्टेट द प्रोविजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर इंग्लैंड एंड पोलैंड व्हेन द फ्रेंच ने ये कहने ये कहा ये बिल्कुल ये कहावत है भी कहा भी जाता है.